हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको कार्डिगन बनाना सिखाऊंगी। कार्डिगन हम क्रोशे से बनाते हैं, उसको हम दो तीन तरीके से बनाते हैं, लेकिन आज जो मैं कार्डिगन बनाना सिखा रही हूँ वो आपको गले पे से बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी है और जो मैं आपको जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी आप उस तरीके से किसी भी साइज का कार्डिगन बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये जो हम कार्डिगन बनाएंगे, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सिर्फ गले का हिस्सा, गले का जो पीछे वाला हिस्सा है, सिर्फ आपको साइड कंधे नहीं नापने हैं, सिर्फ गले का जो पीछे वाला हिस्सा है उसको आपको नाप लेना है कि आपका कितना आ रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप किसी भी साइज का क्रोशे से बना रहे हो, आपको क्या करना है, ये आप बना लेंगे इस तरीके से और फिर उसको नाप लेंगे कि ये जो आपको जितना आ रहा है, जैसे आपका 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो उसमें आपको कितने स्टिचेस चाहिए। जिस भी क्रोशे से बना रहे हैं तो आपको कितने स्टिचेस चाहिएंगे, जैसे 6 है तो आपको 25 स्टिचेस चाहिएंगे या 26 स्टिचेस चाहिएंगे, उस हिसाब से आप पहले इसको बना के और आप नाप लेंगे। तो आपको क्या करना है, इसको इवन नंबर करना है। अगर 25 आ रहा है आपका तो उसको 26 कर लेना है या 24 कर लेना है, जिससे क्या होगा कि जब हम कंधों पे इसको डिवाइड करेंगे तो इसके आधे आधे चाहिएंगे हमें। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से बनाएंगे हम। तो देखिए, ये हमारा पीछे वाला हिस्सा है, ये हमारे कंधे हैं और देखिए, तो यहाँ पे हमें जैसे आपके पीछे 28 स्टिचेस आए हैं तो आपको क्या करना है, 14 यहाँ लेने हैं, 14 स्टिचेस इसके आधे और 14 स्टिचेस यहाँ लेने हैं और इसके बाद आपको सिर्फ 2 स्टिचेस, आपका कोई भी नाप हो, सिर्फ आपको 2 स्टिचेस यहाँ लेने हैं, 2 स्टिचेस यहाँ लेने हैं। तो ये हमारे कुल मिला के हो जाएंगे 28। तो ये जो हमारे स्टिचेस हो जाएंगे, कुल मिला के हो जाएंगे 50। तो देखिए, मैं आपको अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, मैंने 50 स्टिचेस ले लिए हैं मैंने। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जितने भी आप लेंगे, जितना आपका पूरा बना के आएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, 2 स्टिचेस बनाने, 1 और 2, 2 चैन आपने बनाई और यहाँ से 3 स्टिचेस छोड़ेंगे और फोर्थ वाले में आप 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आपको यही करना है, आप ध्यान रखें, नहीं तो हम क्या करते हैं, कई बार एक स्टिचेस हमारा इस तरफ ज़्यादा हो जाएगा, क्या करते हैं हम थर्ड एक्स्ट्रा चैन बना लेते हैं, तो जो एक स्टिच हमारा ये होता है ये हमेशा ज़्यादा हो जाता है। तो हमने क्या किया है कि 2 स्टिचेस बनाए हैं और एक स्टिचेस यहाँ से कम कर दिया है, तो ये हमारे बराबर हो गए, तो कुल मिला के 50 स्टिचेस ही होंगे। तो एक स्टिच हमने इसको काउंट किया, एक स्टिच हमने इसको काउंट किया, तो ये 2 हमारे आगे के स्टिच हो गए। अब चैन 1 का स्पेस देंगे और आगे देखिए, यहीं से इसके बाद वाले स्टिच से डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो ये 2 हमारे आगे के हो गए हैं, अब मैं 14 बना लूंगी। तो ये 2 हमारे आगे के स्टिच हो गए, ये 14 हमारे कंधे पे जो आएंगे वो स्टिचेस हो गए। अब हम क्या करेंगे, चैन 1 बनाएंगे और देखिए अगले स्टिच से ही 1 डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो हमारे पीछे हैं 28 स्टिचेस, तो हम 28 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए, मैंने ये पीछे वाले हमारे 28 स्टिचेस बना लिए हैं, चैन 1 बनाएंगे और फिर अगले स्टिच से 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम इसमें गैप नहीं देना, नीचे शुरू में कहीं भी नहीं दिया है हमने, ध्यान रखना है आपको हर एक स्टिच में डबल क्रोशिया बनाना है, जहाँ पे हम चैन का गैप देंगे उसके बाद से हमें डबल क्रोशिया बनाना शुरू करना है। तो मैं 14 और बना लूँगी। तो ये देखिए, ये 14 बना लिया मैंने, अब बनाएंगे चैन 1 और हमारे पास 2 स्टिच बचे हैं, तो इसमें हम 2 डबल क्रोशिया और एक में एक एक ये 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए ये 2 आगे की तरफ, 14 दोनों तरफ और 28 कुल मिला के हमारे 50 स्टिचेस हो गए। अब हमें सेकंड रो किस तरीके से बनानी है, देखिए आपको यहाँ पे चैन 2 बनाना है, इस चीज़ का ध्यान रखें, 3 नहीं बनानी, 2 बनानी है, 2 इसको इस तरफ पलटेंगे
और देखिए सेम इसी स्टिच में डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, फिर ये वाला जो स्टिच है इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले टू थे हमारे, अब ये थ्री हो गए। देखिए अब क्या करना है, ये जो चैन वन का स्पेस दिया था इसमें हम वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, चैन वन बनाएंगे और वन डबल क्रोशिया और बनाएंगे इसके। देखिए अब हर एक स्टिच में यहाँ तक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये देखिए यहाँ तक हमें डबल क्रोशिया बनाना है, ये देखिए चैन वन का डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले चैन वन के स्पेस में, और चैन वन बनाएंगे और फिर वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर हमें यहां से डबल क्रोशिया बनाना शुरू करना है। तो ये हमें हर एक जो चैन वन का स्पेस है हमें उसमें इस तरीके से ही बनाना है। फिर मैं आपको लास्ट में आके बताता हूँ कि हमें जो लास्ट में हम खत्म करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, ये जो रो है उसको ख़त्म किस तरीके से करेंगे। देखिए मैंने ये नाश्तक बना लिया, ये बस हमारी चैन ये टू डबल क्रोशी बचे हुए हैं। तो यहाँ पे जो चैन वन का स्पेस है इसमें वन डबल क्रोशिया, चैन वन और वन डबल क्रोशिया और बना लेते हैं। अब देखिए एक स्टिच हमारे यहाँ बनाना है, अब ये देखिए यहाँ पे जब हमने चैन टू बनाया था वो हमें लगता भी नहीं कि यहाँ स्टिच है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये जो चैन टू बनाई थी हमने इसकी जो सेकंड चैन है देखिए सबसे ऊपर वाली चैन, इसमें आपको टू डबल क्रोशिया बनाना है, वन आइए टू, दोनों तरफ आपको इस तरीके से बनाना है तभी हमारा ये गले का शेप आएगा। नहीं तो ये अगर आपने यहाँ नहीं बनाया एक स्टिच भी कम हो गया तो आपका ये जो शेप है वो बेकार हो जाएगा, दोनों तरफ सेम नहीं आएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हमें दोनों तरफ इस तरीके से बनाना है। मैं शुरू करती हूँ, देखिए किस तरीके से शुरू करेंगे, एंड इस तरीके से करेंगे, शुरू हम करेंगे चैन टू बनाएंगे और इसमें वन डबल क्रोशिया और बनाएंगे इसी स्टिच में, और उसके बाद देखिए ये और ये चैन वन का यहाँ तक हम स्टिच बनाएंगे और चैन वन के स्पेस में वन डबल क्रोशिया, चैन वन और वन डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से शुरू और लास्ट में हमें इस तरीके से बनाना है, और बिल्कुल सिंपल है बनाना, बस आपको एक हर एक स्टिच के ऊपर स्टिच बनाते जाएंगे तो आपका शेप अपने आप आ जाएगा। तो ये देखिए ये मैंने बना लिया है इतना। अब आपको कहाँ तक बनाना है, जब तक आपको देखना है कि आपके मुड्ढे पूरे नहीं हो जाते, आपके अंडर आर्म्स में ठीक से आ नहीं जाते, तब तक आपको ये हिस्सा बढ़ाते जाना है, उसी तरीके से बनाते जाना है। और ये देखिए ये हमारा गला बन गया है वी स्टिच। अब हम इनको डिवाइड करेंगे मुड्ढों को, और जो बॉडी पार्ट है उसको अलग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो मुड्ढे डिवाइड करेंगे तो उसके लिए देखिए अब यहाँ से हम किस तरीके से बनाएंगे। पहले हम चैन टू बना रहे थे, अब यहाँ पे हम चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री। तो चैन टू और वन डबल क्रोशिया जो बना रहे थे हम, ये गले को वी शेप देने के लिए बना रहे थे। अब हम यहाँ से इसको नॉर्मल तरीके से बनाएंगे। तो देखिए चैन थ्री बनाई है अब मैंने यहाँ पे, इसको इस तरफ पलटेंगे, और हम पहले इसमें ही डबल क्रोशिया बना रहे थे, अब इस वाले स्टिच में डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, फर्स्ट वाला जिस जहाँ पे हम चैन बनाते हैं इसको छोड़ेंगे और इसके बाद वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें हर एक रो में इस तरीके से ही बनाना है। तो ये हर एक स्टिच में डबल डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, और ये चैन वन के स्पेस तक बनाना है हमें, फिर हम मुड्ढों को डिवाइड करेंगे। तो मैं चैन वन के स्पेस तक बना लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ से हमने गले के पास से शुरू किया था, यहाँ तक हमने बना लिया है, और ये चैन वन का स्पेस है। अब क्या करेंगे, ये देखिए इस तरीके से लपेटेंगे, क्रोशिया को इसमें से डालेंगे, और जो चैन वन का दूसरा वाला स्पेस है ये देखिए इस तरीके से, ये दोनों में से हमने डाला क्रोशिया को, और धागे को यहाँ निकालेंगे इस तरीके से और डबल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए ये अटैच हो गया। अब यहाँ से हम हर एक स्टिच में डबल क्रोशिया बनाएंगे जब तक हम
वन डबल क्रोशिया जो हमारा थर्ड वाले स्पेस तक बनाएंगे हम, थर्ड वाले चैन वन के स्पेस तक। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, आप लाइक करना भूल जाते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कुछ पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो मैं चैन वन के स्पेस तक बना लेती हूँ। ये हमारा थर्ड वाला चैन वन का स्पेस है। अब हम इसमें ये देखिए इस तरीके से दूसरे फोर्थ वाले चैन वन के स्पेस में हम क्रोशिए को दोनों को साथ में लेंगे, क्रोशिए को इस तरीके से डालेंगे और यहाँ पे वन डबल क्रोशिए बना देंगे। और अब इस तरीके से हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिए बनाते जाएंगे। ये देखिए हम स्वेटर के दूसरे कॉर्नर पे आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ये एक डबल क्रोशिया हमने यहाँ बनाया, एक हम यहाँ बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया हमने जो चैन टू बनाई थी उसमें भी बनाना है आपको। पहले हम दो बनाए थे, अब सिर्फ एक बना रहे हैं। तो ये एक डबल क्रोशिया बना लिया हमने। अब वापस से चैन थ्री बनाएंगे, वन टू थ्री, और इसको इस तरफ पलट लेंगे। ये देखिए अब फिर हमें उसी तरीके से बनाना है, ये वाले स्टिच में डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, इसके जस्ट पास वाले में बनाएंगे। तो ये हमारा हमने मुड्डे अलग कर दिए हैं, अब हमें नीचे वाला हिस्सा बनाना है। तो देखिए अब ये हमारे मुड्डे अलग हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, यहां से डबल क्रोशिया हम बनाना शुरू करेंगे और यहाँ से लेके राउंड यहाँ पे, फिर वापस यहाँ से शुरू करेंगे। हमें कोई स्टिच बढ़ाने नहीं है, हर एक स्टिच पे एक एक स्टिच बनाना है। तो हमें जब तक जितनी आपको लंबाई चाहिए कार्डिगन की, उससे डेढ़ इंच कम बना लेंगे, नीचे हम बॉर्डर बनाएंगे। तो इसको मैं बना के फिर आगे बताऊंगी आपको कि किस तरीके से बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने ये कार्डिगन की लंबाई पूरी कर ली है और ये हमारी सीधी तरफ है। अब हम यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए बॉर्डर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम चैन थ्री बनाएंगे, टू बनाएंगे हम चैन। अब की बार जब बॉर्डर बनाएंगे तो चैन टू बनाएंगे, थ्री नहीं बनाएंगे। अब देखिए क्या करना हमें, कि एक जो हम स्टिच लेंगे इसको आगे की तरफ से बनाएंगे। अब जो दूसरा स्टिच बनाएंगे इसको इस तरीके से पीछे की तरफ बनाएंगे। फिर एक आगे की तरफ बनाएंगे और एक पीछे की तरफ बनाएंगे। तो इस तरीके से एक आगे एक पीछे की तरफ हम लास्ट तक बना लेंगे। फिर मैं आपको सेकंड रो और बताऊंगी किस तरीके से हम बनाएंगे। तो ये देखिए ये वाली रो हमने फर्स्ट रो है हमारी, ये पूरी कर ली है हमने। और ये जो लास्ट वाला स्टिच है इसमें हम प्लेन डबल क्रोशिया ही बनाएंगे इस तरीके से। अब बनाएंगे चैन थ्री, वन टू थ्री, और इसको इस तरफ पलट लेंगे। ये देखिए हमें स्टिच अलग से दिखाई दे रहे हैं, ये आगे वाला स्टिच आगे की तरफ दिख रहा है, पीछे की तरफ अलग स्टिच दिख रहा है। तो हमें जो आगे की तरफ स्टिच है उसे आगे की तरफ से बनाना है और जो पीछे की तरफ स्टिच है उसको पीछे की तरफ से बनाना है। ये देखिए, तो जब हम दूसरी रो भी बनाएंगे तो उसमें भी हम जब वापस पलट के आएंगे, जितना बड़ा आपको स्टिच चाहिए, ये बॉर्डर चाहिए, उतना बड़ा बना लेंगे। लेकिन जो आपको स्टिच आगे की तरफ दिखेगा उसको आप आगे की तरफ बनाएंगे और जो पीछे की तरफ दिखेगा उसको पीछे की तरफ ही बनाएंगे। तो ये मैं बॉर्डर पूरा कर लेती हूँ, फिर इसके बाद हम आस्तीन बनाएंगे। तो ये देखिए ये बॉर्डर पूरा कर लिया है मैंने। मैंने इसमें तीन रो ही बनाई है, अगर आप बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी बना सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारे मुड्डे हैं, अब हम आस्तीन बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये सीधा तरफ ही लेना है, आपको ध्यान रखिए स्वेटर के सीधा तरफ हो। अब यहाँ से देखिए यहाँ से स्टिच लगाएंगे हम। चैन थ्री बनाएंगे, वन टू और ये थ्री। और आपको ये आप यहाँ बनाएंगे जब स्टिचेस तो काउंट कर लेंगे, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि दूसरे आस्तीन में भी आपके इतने ही स्टिचेस आए हैं। तो ये देखिए अब हम हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बना लेंगे।
तो आपको ध्यान रखना है कि स्टिचेस कितने हैं, आपको दोनों आस्तीनों में सेम ही स्टिचेस लेने हैं। तो ये मैं लास्ट तक बना लेती हूँ, फिर हम इसको ज्वाइंट करेंगे राउंड में। पूरा आपको यहाँ तक बना लेना है। देखिए मैंने लास्ट तक बना ली है। अब यहाँ पे हम इसको जो चैन थ्री बनाई थी शुरू में, उसमें स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। वापस से चैन थ्री बनाएंगे और आपको ध्यान रखना है स्टिच यहाँ से बनाने शुरू करना है आपको, कि यहाँ से नहीं बनाने, जस्ट यहाँ से बनाने शुरू करने हैं। और काउंट करेंगे कि 50 ही होने चाहिए, जैसे 50 मैंने फर्स्ट रो में 50 आए तो सेकंड रो में भी 50 ही होने चाहिए। तो इसको हम बार बार राउंड करके चार या पांच रो, जितना हमारा अपर आर्म्स हमारी सेम ही होती है, वहाँ पे पतली नहीं होती है, तो इस वजह से हम ऊपर का हिस्सा में 50 रो, जैसे चार या पांच रो हम 50 स्टिचेस की बनाएंगे, उसके आगे हम इनको धीरे धीरे करके घटाएंगे। जो हमारी कोहनी के नीचे की आर्म्स होती है वो उसका शेप धीरे धीरे कम होता है, तो इसलिए हम इनको आगे स्टिचेस को कम करेंगे। तो मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने ये 7 रो बना ली हैं, जिसमें मैंने बिल्कुल भी कोई फंदे नहीं घटाए। अब हम फंदे घटाना शुरू करेंगे। तो देखिए फंदे किस तरीके से घटाएंगे हम, चैन थ्री बनाएंगे, 2 3। अब यहाँ पे हम हर दूसरी रो पे एक फंदा घटाएंगे। तो ये देखिए ये स्टिच है, हम यहाँ से बना रहे थे पहले, अब इस वाले स्टिच को नहीं बनाएंगे, यहाँ से स्टिच बनाना शुरू करेंगे। तो ये फर्स्ट रो है हमारी, सेकंड रो में हम वापस स्टिच से बनाएंगे, मैं आपको बताऊंगी आगे। तो पहले हम ये एक स्टिच यहाँ पे हमारा कम हो गया है, तो अब पहले हम इस रो को पूरी कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये वाली रो पूरी हो गई। अब हम यहाँ पे चैन थ्री वाली जो बनाई थी हमने, यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब चैन थ्री बनेंगे, 1 2 3। तो पहले हमने जो रो में फंदा घटाया था, तो हमने उसे यहाँ से स्टिच बनाना शुरू किया था, और जिसमें हम फंदे नहीं घटाएंगे उस रो को हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ से, तो इसी तरीके से हमें जहाँ तक हमें बॉर्डर बनाना है, जितनी रो में बनानी है, उसके बाद हम 3 रो का बॉर्डर हमने नीचे गार्डियन में बनाया था, तो 3 रो का रो बॉर्डर ही हम आस्तीन में बनाएंगे। तो जहां तक हम बॉर्डर बनाएंगे वहां तक इस तरीके से हमको हर सेकंड रो पे एक स्टिच घटाते जाएंगे। तो देखिए ये आस्तीन मैंने बना ली है पूरी, मैंने उतनी ही रो बनाई है जितनी मैंने ये अपर पार्ट में बनाई है, जो हमारा बॉडी पार्ट में जितनी रो बनाई है मैंने उतनी ही इसमें बनाई है। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पे हम ज्वाइंट करते, देखिए कितना अच्छे से शेप आया है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे। तो जितना बॉर्डर मैंने नीचे बनाया है बॉडी पार्ट में, उतना ही बॉर्डर मैं यहाँ बनाऊंगी। तो देखिए क्या करेंगे, चैन थ्री बनाएंगे और एक स्टिच ये आगे की तरफ, ये आस्तीन का बॉर्डर बना रहे हम, एक पीछे की तरफ, एक आगे की तरफ, एक स्टिच को हम पीछे की तरफ बनाएंगे। एक रो में पूरी कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये फर्स्ट रो हो गई हमारी। अब यहाँ पे ये लास्ट वाला स्टिच है, ये चैन थ्री वाली है। तो ये चैन थ्री का जो फर्स्ट स्टिच है, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। तो जो मैंने फंदे घटाए थे वो फंदे मैंने यहीं तक घटाए थे। अब जो हम बॉर्डर बनाएंगे इसमें कोई फंदे नहीं घटाएंगे, इसमें बस हर एक स्टिच में एक एक स्टिच बनाना है। तो अगली ये देखिए चैन थ्री बनाएंगे, 3, और फिर ये जो आगे की तरफ स्टिच दिख रहा है उसे हम आगे की तरफ बनाएंगे, और जो पीछे की तरफ दिख रहा है उसे पीछे की तरफ बनाएंगे। तो मैंने बॉर्डर में 3 रो बनाई थी बॉडी पार्ट में, तो यहाँ पे भी मैं 3 रो ही बना रही हूँ। आप जितनी बनाएं, आपको जितना अच्छा लगे, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक रो और बनाऊंगी। तो देखिए कार्डिंग की हमारी ये देखिए आस्तीन बन गई है। इनमें बॉर्डर दोनों में आपको ध्यान रखना है, दोनों में आपको सेम ही स्टिचेस लेने हैं और सेम ही घटाने हैं, तभी सेम आएंगी। और ये देखिए हमारा नीचे का बॉर्डर बन गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी बटन पट्टी है, अब यहाँ पे हम बॉर्डर बनाएंगे। ये पूरा यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे, देखिए यहाँ से बनाना शुरू करेंगे और यूं करके राउंड गोल आके और दूसरे कोने तक बनाएंगे यहाँ तक, और फिर वापस जैसे हम बार बार जितनी रो बनाएंगे हम बार बार इस तरीके से घूम के इस तरफ से इस तरफ, इस तरफ से इस तरफ बनाएंगे। तो ये देखिए अब हम सामने का बॉर्डर बनाएंगे, इसके लिए
फर्स्ट वाले स्टिच में धागा लेंगे। आप यहाँ पे गांठ लगा के भी इसको शुरू कर सकते हैं, पहले धागे को बांध लें उसके बाद भी शुरू कर सकते हैं। धागे को गांठ लगाने के बाद ये दोनों धागे को देखिए इसके साथ हम बनाते जाएंगे स्टिचेस और इनको बीच में लेते जाएंगे। तो बनाएंगे चैन टू, वन टू, और ये देखिए हमें यहाँ जो स्टिच बनाए हैं इनमें हमने इनमें स्टिच बनाने हैं बीच में, देखिए इन स्टिच में बनाने हैं। ये हमारे लंबे वाले स्टिचेस हैं, इस तरफ लंबे आ रहे हैं तो हर एक स्टिच में दो दो स्टिच बनाएंगे हम, ये तो गैप ज्यादा आ जाएगा। तो इस तरीके से, तो ये देखिए मैंने यहाँ आगे का बना लिया है। अभी हम गले पे बनाएंगे, तो गले पे भी आपको कुछ अलग से करना नहीं है, बस आपको स्टिच में हर एक स्टिच में स्टिच बनाते जाना है, ना तो ज्यादा बनाने हैं ना कम करने हैं। ज्यादा स्टिच बनाएंगे तो यहाँ पे झोल आ जाएगा और ज्यादा दूर दूर बनाएंगे तो ये खींचने लगेगा ये हिस्सा, तो आपको ध्यान से बनाना है। और जब आप ये स्टिच बनाएंगे तो अपने आप गले का शेप भी आ जाएगा, बस आपको गोल घुमा के बनाते जाना है। देखिए इस तरीके से, तो गले का शेप अपने आप आ जाएगा वी। और अगर आप इसमें छोटे बटन लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पे अलग से काज बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें इतना स्पेस है कि यहाँ पे बटन आराम से आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको बड़े बटन लगाने हैं तो उनके लिए स्पेस मैं आपको आगे बताऊंगी किस तरीके से बनेगा। देखिए ये बना के मैं दूसरी साइड आ गई, मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि आपको बटन अगर लगाने हैं तो उनके लिए काज कैसे करेंगे। तो ये मैं सेकेंड रो में बना रही हूँ, अगर आप बड़े बटन लगाने हैं और आपको काज बनाने हैं तो आप ये फर्स्ट रो में करेंगे। इस तरीके से चैन वन बनाया मैंने, इसको इस तरीके से पलट लेंगे, यहाँ से स्टिच बनाना शुरू करेंगे। हम सिंगल स्टिच बनाएंगे, जिस रो में हम बटन लगाएंगे उसको हम सिंगल स्टिच से बनाएंगे। अब जहां जहां आपको बटन लगाने हैं तो आप क्या करेंगे, आपको जितने बड़े बटन लगाने हैं उसके हिसाब से स्पेस देंगे। तो जैसे देखिए मैंने चैन थ्री बनाई, वन टू थ्री, तो यहां से हम थ्री स्टिच छोड़ेंगे, वन टू थ्री, और ये फोर्थ वाले में सिंगल स्टिच बनाना। तो ये देखिए ये हमारा बटन लगाने का स्पेस बन गया है। तो इसी तरीके से आपको जहां जहां आपको बटन लगाने हैं आपको पॉइंट करके और वहां वहां इस तरीके से स्पेस बना लेंगे। अगर आपको छोटे बटन लगाने हैं तो आपको स्पेस बनाने की अलग से जरूरत नहीं है। तो और यहां पे आपको जितना बड़ा बॉर्डर चाहिए सिंगल सिंगल, देखिए मैंने तो डबल क्रोशिया बनाया है सिर्फ इसमें बॉर्डर में, अगर आप चाहें तो इसको चौड़ा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए पूरा कार्डिगन बन गया है, मैंने इसकी लंबाई कम रखी है, अगर आप चाहें तो आप ज्यादा भी रख सकते हैं। और यहाँ पे जब इसको बटन लगाएंगे तो इसका शेप अच्छे से आ जाएगा बराबर में। तो देखिए इसकी फिनिशिंग भी कितनी अच्छी आई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।